मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। आज हिंदू युवा वाहिनी का माइकल जॉन में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। प्रशासन मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया है, साथ ही साथ प्रशासन के साथ साथ हिंदू वाहिनी के जितने भी कार्यकर्ता है, उत्साह है। और वाहिनी के श्री सतीश सिंह जी, दिलीप सिंह जी यहाँ के अध्यक्ष है, सतीश सिंह जी, इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर। आज हिंदू युवा वाहिनी जमशेदपुर महानगर के द्वारा हिंदू महासम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में दिल्ली के हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री कपिल मिश्रा जी आ रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता श्री कुणाल सारंगी जी उपस्थित रहेंगे। हिंदू युवा वाहिनी के पुरुष अध्यक्ष राम मनोहर जी उपस्थित रहेंगे और हमारे जितने भी हिंदू युवा वाहिनी के जमशेदपुर जिला के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हिंदू नववर्ष के पश्चात जो सारे हिंदू के पर्व शुरू हो रहा है, उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने एक हिंदू महासम्मेलन करने का आयोजन किया गया है, जिसमें हम अपनी संस्कृति सभ्यता की जन जागरूक करके अपनी सनातन सभ्यता को बचाने का कोशिश करेंगे। इसमें अपने सनातन धर्म के विषय में प्रचार प्रसार होगी, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता की रक्षा कैसे करनी है उस पर ध्यान आकर्षित किया जाएगा, कैसे हम लोग समाज को, देश को, राष्ट्र को मजबूत करें उस पर हम लोग ध्यान करेंगे। योगी जी हमारे मुख्य संरक्षक हैं हिंदू युवा वाहिनी के, उन्हीं के द्वारा ये हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की गई थी 2002 में चैत्र प्रतिपदा के दिन, और उन्हीं के निर्देश पर ही ये संगठन पूरा देश भर में चल रहा है और समस्त हिंदुओं की रक्षा और अपनी धर्म की सभ्यता की रक्षा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहने का कार्य करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और उसी के निमित्त ये हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है ताकि हिंदुओं को जागरूक और इकट्ठा करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने में सहयोग कर सके। श्री कपिल मिश्रा जी का स्वागत करें। आप लोग को कुछ बताना चाहेंगे? हमें लगता है कपिल मिश्रा जी दिल्ली से चलकर जमशेदपुर आए हैं। हम में से कितने लोग हैं जो आने वाली पीढ़ी को अंग्रेजी में माध्यम से भैया जय श्री राम हमारे अपितु हैं, हमारे भगवान आज हमारे ही साथी। अगर उन्हें आप ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। कपिल मिश्रा जी का इंतजार हो रहा है और पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जमशेदपुर में उनका हार्दिक स्वागत है। वो आए और हमारे जो युवा वाहिनी है उनको सुनना चाहती है। आज हिंदू इस परिस्थिति में है कि इन जैसे लोगों के आदर्श में चलना बहुत ज़रूरी है। सोई हुई है, एक तरह से कहूँ तो हिंदू की स्थिति आज ये हो गई, सो गई है। अगर कोई जगाने का कार्य कर रहा है तो ज़रूर आगे बढ़ के इसका स्वागत करना चाहिए और सुनना चाहिए। ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ये बताते हैं हमारे आदर्शों को, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो इनको सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। काफ़ी हमारे भाई बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि इनको सुन सके, समझ सके और उस मुताबिक हम अपने हिंदू और हिंदू धर्म राजा चौधरी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आकर आज के हमारे मुख्य अतिथि को भैया कपिल मिश्रा जी कब आ रहे हैं। फेसबुक ट्विटर के माध्यम से हर दिन मुझे सवाल आ रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी जिस संगठन के राजा चौधरी जी से मैं आग्रह करता हूँ जी जो हिंदू युवा वाहिनी के युवा वाहिनी के टीम श्री सतीश सिंह जी, दिलीप सिंह जी, बिपिन तिवारी जी, देवानंद शुक्ला जी, राजा चौधरी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आकर आज के हमारे मुख्य अतिथि को माला पहनाकर स्वागत करें। जिसने पूरे भारतवर्ष को हिंदू धर्म के लिए एक नया रास्ता बनाया, जिस संगठन के बैनर तले आज इस हिंदू महासम्मेलन में हम सभी उपस्थित हैं, उसके प्रदेश के अध्यक्ष श्री राम मनोहर नाथ सहदेव जी हमारे बीच में।
जमशेदपुर की इस ऊर्जा से, शक्ति से, समर्पण से, धर्म के प्रति जुड़ाव की भावना से भरपूर इस पवित्र नगरी में हिंदू युवा वाहिनी के धर्म समर्पित कार्यकर्ताओं के बीच में आज मुझे आने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का। खासतौर पे आभार व्यक्त करता हूं मेरे साथी, मेरे दोस्त और भाई और आप सबके प्रिय युवा नेता कुणाल सारंगी जी का, जिनको अभी हम लोगों ने सुना। मंच पर संत परंपरा के, प्रदेश के महामंत्री, युवा सरल सहज संस्कारी आप सबके बीच के अधिराज नारायण सिंह जी, उनको भी नमन करता हूं। और आप क्यों, ये जो दो युवा मिले हैं राम मनोहर जी और ये अधिराज जी और कुणाल जी, मुझे लगता है देश में बहुत कम प्रदेश और शहर ऐसे होंगे जहां पे इस उम्र के नौजवान, समर्पित नौजवान समाज और धर्म के लिए नेतृत्व देने के लिए तैयार होकर सामने आए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सभी के लिए। जिला अध्यक्ष सतीश सिंह जी, देवराज जी और यहाँ पर माँ सरस्वती के आशीर्वाद से भरपूर वाणी के साथ मंच का संचालन करते हुए सागर तिवारी जी, और यहाँ सामने उपस्थित विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से, भारतीय जनता पार्टी से, हिंदू युवा वाहिनी से आए हुए सभी धर्मनिष्ठ योद्धा और मातृशक्ति रितिका बहन और उनके साथ आई पूरी की पूरी टीम, किस प्रकार से आप लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अकेला हिंदू ऐसा धर्म है जिसमें मातृशक्ति का तेज अगर जागृत हो जाए तो उसके सामने दुनिया की कोई शक्ति नहीं टिक सकती है। पुलिस वाले वीडियो बना रहे, भाई साहब मेरे को भी दे देना एक कॉपी, मैं नहीं बनी। आज बड़ा मजेदार दृश्य है। सुबह से मैंने इतनी सेना, इतनी पुलिस, इतनी फोर्स लगी हुई आज तक नहीं देखी। आपने देखी है कभी? बंदे में दम है। अच्छा, मैंने पूछा कि ये इतनी फोर्स लगाई किस लिए है? कह रहे सुरक्षा के लिए लगाई है। मैंने किसकी सुरक्षा? खतरे में कौन है? मुझे तो सरकार असुरक्षित नजर आ रही है। इतना डर, कोई आ ना जाए, कोई बोल ना दे, कोई चर्चा ना हो जाए, कोई संवाद ना हो जाए, कोई बातें ना हो जाए। पिछली बार तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया। रुपेश पांडे जी का जो बलिदान हुआ माँ सरस्वती की पूजा के दिन, साधना के दिन, कोई एक युवा जो अपने घर का अकेला, आशा, उम्मीद, माता पिता का सहारा, वो माँ सरस्वती की साधना करने के लिए निकला है, मसंत पंचमी की पूजा करने के लिए निकला है, उसको घेर के मारा गया। राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या थी? अपराधियों को सजा देना, परिवार को न्याय देना, समाज को सुरक्षा का एहसास देना, ये आश्वासन देना कि पुनः इस प्रकार की घटना किसी के साथ नहीं होगी। सरकार पूरी शक्ति के साथ, कानून पूरी शक्ति के साथ अपराधियों को सजा देगा। लेकिन सरकार ने क्या किया? बात नहीं होनी चाहिए अपराध की, इंटरनेट बंद कर दो। इंटरनेट बंद, एयरपोर्ट बंद कर दो, कोई बाहर से आके मिलना नहीं। भारत के इतिहास में और बल्कि भारत को शायद मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा कई कोई समाज में ऐसा नहीं होता कि शोक संतप्त परिवार के दरवाजे पे जाने से किसी को रोका जाए। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, आप राजनीतिक कार्यक्रम पर बैन लगा सकते हैं, भाषण देने पे कह सकते हैं, लेकिन जिस घर का बेटा खोया हो उसके माता पिता के कंधों पे हाथ रखने के लिए कोई जाए और आप बोलो दरवाजे तक जाने नहीं देंगे,
ऐसा कहीं नहीं होता। इस देश में तो अफजल गुरु और बुरहान वानी के भी मातम निकाले जाते हैं और हजारों लोग जिहादियों के लिए सड़कों पे निकलते हैं, जहां रूपेश पांडे के परिवार से मिलने के लिए रोका जा रहा है। यह शर्मनाक है। इससे एक बात पता चलती है कि सरकार की नीयत अपराधियों को रोकना नहीं है, सरकार की नीयत अपराध के बारे में चर्चा को रोकना है। सरकार की नीयत है कि लोग चर्चा ना करें कानून व्यवस्था किस प्रकार से बंटाधार हो रही है, लोग चर्चा ना करें किस प्रकार से तुष्टीकरण के दलदल में गले तक डूबी हुई सत्ता बैठी हुई है, इसकी चर्चा ना, जुबाने सिल दी जाए, ताला लगा दिया जाए। ये जितनी पुलिस आज यहां शहर में लगाई गई है, इतनी पुलिस लोहरदगा में लगानी चाहिए थी ना, वहां तो स्लीपर सेल के डिटेल निकल के आ रहे हैं, प्लान करके हमला करने के डिटेल निकली, वहां क्यों नहीं लगाई है सुरक्षा, खूंटी में क्यों नहीं लगाई है सुरक्षा, रूपेश जब सरस्वती पूजा के लिए निकले थे तब क्यों नहीं लगाई है सुरक्षा। इसका मतलब नियत सुरक्षा देने की नहीं है, नियत क्या है, मामले को दबाने की, अपराधियों को संरक्षण देने की, तुष्टिकरण करने की। यह राज्य सत्ता के सिद्धांतों के खिलाफ है। आप कुर्सी पर बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है सारे राज्य के समस्त नागरिकों को सुरक्षा का आश्वासन। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार का अधीन है, फिर भी वहाँ दंगा हो रहा है, यहाँ पर आप बोल रहे हैं प्रशासन। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी पत्थर उठे वहाँ पे यही कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, निर्णायक कार्रवाई होनी बहुत आवश्यक है, जैसे कि यूपी में होनी है। एडी लाइव का वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं किसी अलग विषय के साथ।